अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग न्यूरोनाटमी न्यूरोफिजियोलॉजी देख रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने न्यूरॉन्स का एक्शन पोटेंशियल देखा। जो आज का हमारा लेक्चर था वो ग्लियल सेल्स थे, ये वाले हमने कहा था एस्ट्रोसाइट्स, ये सारे हमने देखने हैं। तो इसको हम डिटेल से वहाँ से देख लेते हैं WHME नोट से, फिर उसके बाद हम इसको फर्स्ट एड की तरफ आएंगे, ठीक है। तो देखें जी, तो यहाँ से ग्लियल सेल्स, तो देखें आपकी बॉडी में पहले ये देख लें कि नर्वस सिस्टम में दो तरह के सेल्स होते हैं। नर्वस सिस्टम में दो तरह के सेल्स होती है, ये नर्वस सिस्टम, उसमें दो तरह के सेल्स मैंने पहले भी बताया था। एक होते हैं आपके न्यूरॉन सेल्स और दूसरे आपके होते हैं ग्लियल सेल्स। इनको न्यूरोग्लियल सेल्स भी बोलते होते हैं और ग्लियल सेल्स भी इनको बोलते होते हैं। अब ये दो तरह के सेल्स होते हैं। अब जो न्यूरॉन्स हैं ये ओरिजिनल रियल सेल्स होते हैं, बेसिक सेल्स होते हैं, फंक्शनल सेल्स होते हैं। सारा फंक्शन सारा कुछ कौन करते हैं, ये बेसिक आप इनको रियल सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, सारे ये होते हैं। और जो ग्लियल सेल्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं, जो कि आपके जो न्यूरॉन है उसको क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं आपके नर्वस सिस्टम में। तो हमने न्यूरॉन को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि न्यूरॉन क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके क्लासिफिकेशन, फिर एक्शन पोटेंशियल हमने डिटेल में देखा था। आज हम डिस्कस करते हैं कि ग्लियल सेल्स, ग्लियल सेल्स क्या होते हैं। तो जो ग्लियल सेल्स होते हैं ये दोनों जगहों में पाए जाते हैं, आपके CNS में भी होते हैं ये, और ये PNS में भी होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं और CNS में भी ये होते हैं। और दोनों जगहों पर इनका काम क्या है, सेम भाई, कि ये सपोर्ट करते हैं किसको, आपके न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, ग्लियल सेल्स। फिर इन न्यूरोग्लियल सेल्स की डिफरेंट आगे टाइप्स होती है, क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि आपका एस्ट्रोसाइट्स हो गया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गया। फिर वो हर एक सेल जो है ना, वो अब उनमें से कोई कुछ सेल मखसूस होते हैं जो कि आपके CNS में होते हैं, कुछ मखसूस ग्लियल सेल्स कहाँ पे होते हैं, PNS में होते हैं। तो उनको हम वन बाई वन करके जो है ना उनको हम डिटेल पे देखते हैं, ठीक। तो ये समझ आ गया आपको। तो देखिए वो कहते हैं नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स आर द ट्रू रियल फंक्शनल सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट कंडक्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया ऑफ द नर्वस सिस्टम टू अदर एरिया ऑफ द नर्वस सिस्टम। वेल ग्लियल सेल्स आर सपोर्टिंग सेल्स टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इन बोथ CNS एंड PNS। तो जो पहला ग्लियल सेल्स है जो हमेशा इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज कॉल्ड योर एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स, एस्ट्रोसाइट्स की कुछ शेप इस तरह की होती है, ये ऐसे इनके फोटो प्रोसेस होते हैं, इसकी ये सेल बॉडी होती है और ये इसके क्या होते हैं, फोटो प्रोसेस होते हैं। तो ये हो गया सेल बॉडी और उसका ये क्या हो गया, फोटो प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, इस तरह के एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। और ये हमेशा किसके साथ पड़े होते हैं, आपके न्यूरॉन्स के साथ, क्योंकि इनका काम क्या है, उनको सपोर्ट करना, न्यूरॉन्स को क्या करना, सपोर्ट करना, उनके फंक्शन को मेंटेन रखना। तो ये उसी के साथ ही पड़े हुए होते हैं। तो ये देखिए आपके न्यूरॉन पड़े हुए हैं और ये साथ क्या पड़ा हुआ, आपका एस्ट्रोसाइट पड़ा हुआ, और इसके फंक्शन हम देखते हैं। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये तीन चार, इनको देख लें, इनमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, टू द फिर इसके फंक्शन जो है वो समझाने वाली बात है। जो इसके मेन पॉइंट्स है वो देख लें। पहला मेन पॉइंट क्या है कि दीज ग्लियल सेल्स आर द लार्जेस्ट एंड द अबंडेंट सेल्स दैट आर ओनली फाउंड इन द CNS। ये सिर्फ कहां पे होते हैं, CNS में होते हैं। और CNS के अंदर अगर वो पूछे कि लार्जेस्ट और अबंडेंट सेल्स जो वो पूछे, अगर CNS में कौन से आपके ग्लियल सेल्स अबंडेंट और लार्जेस्ट होते हैं, तो आप कहेंगे एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। या दूसरा पूछ सकता है कि एस्ट्रोसाइट्स आर लार्जेस्ट एंड अबंडेंट सेल्स दैट आर ओनली फाउंड इन द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये PNS में नहीं होते, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं होते। दूसरी चीज, इट कंटेन फुट प्रोसेस दैट एक्सटेंड्स ऑफ द बॉडी। तो ये सेल बॉडी से एक्सटेंड बाहर आ रहे हैं, फुट प्रोसेस उसके। उसके बाद एस्ट्रोसाइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूरो एपिथेलियल सेल्स। याद है हमने बनाए थे न्यूरो एपिथेलियल सेल्स, जब हम न्यूरल ट्यूब बना रहे थे, न्यूरल ट्यूब बनाई थी, फिर हमने न्यूरल ट्यूब से ऊपर से आपका ब्रेन बनाया था, और नीचे जो लास्ट पार्ट बचा था हमने उसके तीन जोन बनाए थे। सबसे अंदर वाला जोन न्यूरो एपिथेलियल जोन, फिर मेंटल जोन, फिर मार्जिनल जोन। वहां से न्यूरो एपिथेलियल सेल्स यहां से माइग्रेट करके बाहर निकले थे, फिर वो उन्होंने जाके एस्ट्रोसाइट्स बनाए थे। तो ये उसकी तरफ वो वाली बात ये बता रहे हैं। उसके बाद ये कहता है कि इनके पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, जैसे न्यूरॉन के बायोमार्कर थे, दो प्रोटीन्स थी, ठीक है। अब इसका भी एक बायोमार्कर होता है एस्ट्रोसाइट्स का, इनके पास एक प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड GFAP। आपकी फर्स्ट एड में ये वर्ड यूज किया गया कि GFAP पॉजिटिव होता है, मतलब ये वाला बायोमार्कर क्या होता है, उसका बायोमार्कर होता है। इससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा सेल है, ठीक है। तो इट कंटेन्स ग्लियल फैब्रिक एसिडिक प्रोटीन, ग्लियल फैब्रिक एसिडिक प्रोटीन, जो कि इसका बायोमार्कर है, एस्ट्रोसाइट बायोमार्कर है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे जो आपने याद रखने हैं, ठीक है, जो कि टू द पॉइंट थे, रट्टा बेसी थे। अब इसके जो कंसेप्ट फंक्शंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इसके फंक्शंस देखें, इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, चार पांच इसके फंक्शंस हैं।
पांचवा फंक्शन इसका है लेकिन वो नॉट मच इंपॉर्टेंट, मैंने नीचे फिर भी उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो पहला है ब्लड ब्रेन बैरियर, दूसरा है पोटेशियम बफर, तीसरा है रिमूव्स एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर्स, और चौथा है ग्लाइकोजन रिजर्व, उसको रिजर्व करते हैं कैसे। अब पहला देखते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होती है। ब्लड ब्रेन बैरियर एक स्पेसिफिक बैरियर होती है जो आपके नर्वस सिस्टम में जब ब्लड की सप्लाई होती है ना, तो आपको पता है ब्लड में बहुत चीजें होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम वाटर सब कुछ होता है इसमें, ग्लूकोज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ, और इधर आपके नर्वस टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? नर्वस टिश्यूज। तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर होती है वो इसके दरमियान में होती है, टिश्यूज के और ब्लड वेसल्स के दरमियान में होती है, और वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है। क्या होती है? सिलेक्टिव, कि जो जो आपके मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स जो आपके ब्लड में है, किसमें? ब्लड में, इधर है, और वो नर्वस टिश्यू के लिए हार्मफुल है। क्या है? हार्मफुल है, नुकसानदेह है। तो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होती है उनको अपने अंदर से नहीं गुजरने देती, अपने अंदर से नहीं गुजरने देती, और जो नुकसानदेह नहीं है जो कि नर्वस टिश्यू को नीडेड है, जैसे कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये चीजें यहां से ब्लड ब्रेन बैरियर से गुजर सकती है, नर्वस टिश्यू क्या होती है? सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर होती है। वो कहता है स्पेशलाइज्ड सिलेक्टिव बैरियर दैट सेपरेट्स द ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम ब्रेन टिश्यूज एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन टिश्यूज फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस उनको इधर नहीं जाने देती है। ठीक है, नर्वस टिश्यू में ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ब्लड ब्रेन बैरियर बनी किस चीज की होती है, हम ये देखते हैं। वो कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर फ्रॉम इनर टू आउटर। क्या मतलब? अगर हम ये स्कल लें, उसका ट्रांसफर सेक्शन लें और उसको उसको उसका स्कल लें, तो ये देखिए उसके ये दरमियान में ये सारे क्या है, उसके नर्वस टिश्यूज है, और ये रेड वाली क्या है? ब्लड सप्लाई है। रेड वाली क्या है? ब्लड सप्लाई है। तो यहां से मैं छोटा सा सेक्शन बहर लेता हूं जिसमें आपकी ब्लड वेसल भी आ जाएंगी और नर्वस टिश्यू भी आ जाएगा, उसको मैं बहर लेके आता हूं और बताता हूं कि आपकी जो ब्लड ब्रेन बैरियर होती है वो कैसे बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये और ये अंदर वाली सारी, ये आपकी होगी ब्लड वेसल, कि ये ब्लड वेसल पड़ी हुई है। ठीक है, और ये आपका क्या पड़ा हुआ है बाहर से? न्यूरॉन पड़ा हुआ है, नर्वस टिश्यू पड़े हुए, न्यूरॉन पड़े हुए। अब न्यूरॉन के साथ आपके क्या पड़े हुए हैं? ये एस्ट्रोसाइट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और ये अब आपको बताता हूं कि ये यहां पर ये नर्वस टिश्यू है, ये ब्लड वेसल है, इनके दरमियान में क्या होनी चाहिए? ब्लड ब्रेन बैरियर होनी चाहिए। ठीक है, जो कि यहां से हार्मफुल ब्लड से हार्मफुल जो अनडिजायरेबल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको उधर ना जाने दें। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो मैं वो अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखें कैसे कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको पता है जब ब्लड वेसल होती है ये, तो उसके अंदर कौन सी लाइनिंग होती है? ब्लड वेसल जो लाइन करके जो सेल्स होते हैं वो कौन सी लाइनिंग होते हैं? एंडोथेलियल सेल्स। ये तो सबको पता है ना, अगर एक ब्लड वेसल होती है उसके कौन से सेल्स होते हैं? ये एंडोथेलियल सेल्स। अगर ये ब्लड वेसल है उसके क्या होते हैं? एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। तो नंबर वन चीज आप कह सकते हैं कि इसकी क्या, ये नंबर वन यहां लिखा हुआ है एंडोथेलियल सेल्स, नंबर वन क्या होते हैं? तो यहां पर आपको रेड नजर आ रहे हैं इसके अंदर अंदर की तरफ एंडोथेलियल सेल्स। तो ये सारे क्या? एंडोथेलियल सेल्स। दूसरी बात जो वो करता है वो क्या करता है? वो करता है इस एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान में कुछ प्रोटीन्स होती है, हर ब्लड वेसल में नहीं होती, सिर्फ जो अब आपकी ब्लड वेसल किसमें होती है? ब्रेन में, सीएनएस में होती है, नर्वस सिस्टम में होती है उनमें। अब इधर जो जो गैप्स है एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान में, इधर गैप, इन गैप्स में स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, इनको बोलते हैं गैप, इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं टाइट जंक्शंस। क्या बोलते हैं? टाइट जंक्शंस। तो पहली चीज क्या थी कि आपके क्या थे? रेड वाले क्या है? ये एंडोथेलियल सेल्स है, उनके दरमियान में जो गैप्स थे, गैप्स को किसने फिल कर दिया? टाइट जंक्शंस ने, ये प्रोटीन्स होती है, उन्होंने इसको क्या कर दिया? फिल कर दिया। अब मुझे बताएं क्या ये मेम्ब्रेन परमिएबल रह गई है? पहले तो चीजें इस गैप से अंदर इधर उधर जा सकती थी, अब ये गैप हो गया फिल टाइट जंक्शन कैसे, तो अब कुछ भी नहीं जा सकता। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, फिर इसके बाहर पड़ी होती है आपकी एक और बेसल लेमिना, इसको मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगा। क्या पड़ी होती है आपकी? बेसल लेमिना। तो इस एंडोथेलियल लाइनिंग ये इनर साइड पे था, सबसे इनर साइड पे, उसकी आउटर साइड पे यहां पे क्या पड़ी होती है? बेसल लेमिना पड़ी होती है, जो कि और कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो पहले आपकी एंडोथेलियल सेल्स, फिर उसमें टाइट जंक्शंस, फिर बाहर क्या आ गई आपकी? एंडोथेलियल लाइनिंग आ गई। क्या आ गई? सॉरी, बेसल लेमिना आ गई। क्या आ गई? बेसल लेमिना आ गई। अब बेसल लेमिना के बाद जो तीसरी चीज होती है वो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? एस्ट्रोसाइट्स। लेट मी चेंज द कलर, लेट मी चेंज द कलर। अब तीसरी चीज जो इधर पड़े होते हैं ये आपके एस्ट्रोसाइट्स पड़े होते हैं, ये वाले। तो इस तरह आपके यहां पे क्या आ जाएंगे? एस्ट्रोसाइट्स, उसके फूड प्रोसेस। नंबर थ्री पे क्या आ गए आपके? एस्ट्रोसाइट्स आ गए। अब एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं? एस्ट्रोसाइट्स इसको यहां से क्या कर लेते हैं? रैप कर लेते हैं। ठीक है, और इसको रैप करके इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, यू समझ लिया। ये आपकी नंबर थ्री चीज। थ्री चीज क्या है आपकी? ये आपके एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स आ गए। नंबर फोर यहां पे, और इधर क्या पड़ी हुई है आपके? ये आपका क्या पड़ा हुआ है? कौन सा पड़ा हुआ है आपका? न्यूरॉन पड़ा हुआ है आपका, या नर्वस टिश्यू पड़े हुए।
इसमें एक और चीज जो ऐड करता है, वो एक्स्ट्रा चीज ऐड करता है, वो कहता है कि बाज दफा इधर पेरिसाइट्स भी पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? पेरिसाइट्स भी पड़े होते हैं बेसल लेमिना के पास। किसके पास? बेसल लेमिना के पास पेरिसाइट पड़े होते हैं, जो बस बेसल लेमिना के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं। तो ये आपकी क्या बनती है? ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर की सबसे अंदर वाली चीज क्या थी? ये रेड वाली, दिस इज कॉल्ड एंडोथेलियल लाइनिंग। फिर उसके दरमियान में ये क्या है आपकी? ब्लू वाली टाइट जंक्शन जो कि प्रोटीन है। फिर ग्रीन वाली क्या है आपकी? कनेक्टेड टिश्यूज की बनी हुई बेसल लेमिना। फिर आपका क्या है? एस्ट्रोसाइट्स आता है जो कि इधर आ गया। अब देखिए 1, 2, 3, 4 और अगर 5 पेरिसाइट्स मिला तो 5 कंपोनेंट्स है इसके। तो ये आपकी क्या बन गई? ब्लड ब्रेन बैरियर बन गई। अब ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन क्या होता है? अब इसके फंक्शन हम देखते हैं। देखें अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर बन गई, ये चीजों को आसानी से नहीं गुजरने देगी, इधर से इधर आसानी से नर्वस टिश्यू तक नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि उसके दरमियान में 4 कंपोनेंट्स आते हैं। अब कैसे ये अपना फंक्शन अदा करते हैं, अब हम इसको जरा देखते हैं। अब देखें जी, अब वो कहता है जी, अब इसके फंक्शन में देखें, वो कहता है कि अगर इधर इधर दूसरी लेयर होगी दूसरी तरफ, वो भी इधर भी ऐसे ब्लड ब्रेन बैरियर इधर बनी हुई होगी। अब वो कहता है अगर ब्लड में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जो है ना वो इजीली यहां से क्रॉस कर सकती है पैसिवली और नर्वस टिश्यू को सप्लाई कर सकती है। ब्लड ब्रेन बैरियर के फंक्शन बता रहा हूं कि वो ऑक्सीजन को गुजरने देती है, और जो आपके नर्वस टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है उसको भी गुजरने देती है, और किस में आने देती है? ब्लड में आने देती है। गैसेज एक्सचेंज हो गया। फिर उसके पास अगर कुछ लिपिड सोल्युबल चीजें हैं, इधर ही देख लें, कुछ लिपिड सोल्युबल चीजें हैं वो भी गुजर सकती हैं, क्योंकि ये सारा लिपिड है ना आपकी, तो उसमें से इजीली ये लिपिड्स क्या कर सकते हैं? सोल्युबल होके गुजर सकते हैं, वो भी इस तरह जैसे जैसे लिपिड सोल्युबल विटामिन वगैरह हैं, तो वो यहां से गुजर सकते हैं। उसके बाद ये तो वो चीजें थी जो इजीली पैसिवली पैसिव वे के जरिए विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी इजीली आ जा सकती है। दूसरी कुछ चीजें होती जैसे आपका हो गया वाटर, सोडियम और क्लोराइड, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया और वाटर हो गया। अब ये जो है ना इजीली नहीं गुजर सकते इसमें से, तो इनको इसमें से पास गुजरने के लिए एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की जरूरत होती है, तो वो उस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के जरिए वो गुजर सकते हैं, लेकिन इनको गुजरने के लिए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की जरूरत है, तो वो उस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के जरिए इसमें से गुजर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, कि अगर कोई प्रोटीन्स पड़ी हुई है इधर, क्या पड़ी हुई है? इधर कोई प्रोटीन्स पड़ी हुई है आपके ब्लड में, अगर ये प्रोटीन्स इधर से गुजर जाती, तो प्रोटीन वर्क करती है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, तो इधर जो न्यूरॉन पड़ा हुआ है उसको अनडिजायरेबल स्टिमुलेट करती है या इनिबिट करती है, बार बार प्रोटीन्स जा रही है न्यूरोट्रांसमीटर है उसको इनिबिट कर रहे हैं स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो खाम खाम में अनडिजायरेबल आपके न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता रहता, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती, तो इसी वजह से आपकी यहाँ पे क्या होती है? ब्लड ब्रेन बैरियर होती है, कि ये आपकी टॉक्सिक है, एक तरह की आपकी अनडिजायरेबल हार्मफुल चीज है आपके नर्वस टिश्यू के लिए प्रोटीन्स, तो वो प्रोटीन्स को इसके अंदर से नहीं गुजरने देती। पहली चीज तो क्या कि एंडोथेलियल लाइनिंग है, एंडोथेलियल लाइनिंग के दरमियान में टाइट जंक्शन है, वहां से नहीं गुजर सकेगी। अगर वहां से भी बाई एनीवे गुजरी तो आगे क्या है आपकी? बेसल लेमिना है, फिर क्या है? एस्ट्रोसाइट्स है, फिर वो इसको यहां से गुजरने नहीं देंगे, वहां तक नहीं पहुंचने देंगे, तो इस तरह आपकी जो प्रोटीन्स है वो यहां से क्रॉस नहीं कर सकती। अगर क्रॉस कर गई तो उन्होंने जो है ना एबनॉर्मलिटी सारी क्रॉस कर देनी है। तो आई होप कि आपको ब्लड ब्रेन बैरियर उसके फंक्शन समझ आ गए, अब एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है? मोस्ट मजीद आप देखिए तो एस्ट्रोसाइट्स का ब्लड ब्रेन बैरियर में फंक्शन क्या होता है, मैंने अभी वो आपको डिटेल में नहीं बताया, तो उसको सुन लें। लेट मी चेंज द कलर, लेट मी डू ब्लैक। वो कहता है जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ये एस्ट्रोसाइट रिलीज करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। क्या रिलीज करते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स। और ये ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं? ये रिलीज करते रहते हैं ग्रोथ फैक्टर, करते रहते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स जाते हैं आपके किसके पास? एंडोथेलियल सेल्स के पास, और एंडोथेलियल सेल्स को बोलते हैं कि आप ये प्रोटीन्स बनाए। कौन सी प्रोटीन्स? टाइट जंक्शन प्रोटीन्स बनाए। कौन सी प्रोटीन्स बनाए? टाइट जंक्शन प्रोटीन्स। और ये टाइट जंक्शन प्रोटीन्स इधर आती रहेंगी तो आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन रहेगी, है? और अगर आपके एस्ट्रोसाइट्स डैमेज हो जाए, एस्ट्रोसाइट्स को क्या हो जाए? डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए, तो क्या आप ये ग्रोथ फैक्टर्स बनाएंगे इधर? नहीं। जब ग्रोथ फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो क्या इधर टाइट जंक्शंस बनेंगे? एंडोथेलियल से टाइट जंक्शन बनाएंगे? नहीं। तो क्या आप ब्लड ब्रेन बैरियर की जो परमेबिलिटी है वो बढ़ नहीं जाएगी? वो अब सिलेक्टिव नहीं रही, अब वो प्रोटीन्स को भी गुजरने देगी, अब वो सिलेक्टिव नहीं रही, अब वो किसी को भी गुजरने देगी। तो इस तरह एस्ट्रोसाइट्स का इसमें क्या होता है? फंक्शन होता है। नंबर 4, कुछ होते हैं सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स। क्या होते हैं? सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स। सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स भी कह सकते हैं आप, रीजन्स भी कह सकते हैं। ये आपके नर्वस टिश्यू में वो वाले रीजन्स होते हैं जहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट नहीं होती, जहां ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट नहीं होती, या तो ब्रोकन होती है या फिर होती नहीं है। क्या वजह उसकी? मैं इसको जरा जूम कर लेता हूं। आपने इस डायग्राम पर फोकस करना है भाई, मैं दूसरी नहीं बना रहा, इस वाले डायग्राम पर फोकस करना आपने। वो कहता है पहला एरिया होते हैं एरिया पोस्ट्रीमा,
एरिया पोस्टीमा कहाँ पे होता है? वो कहते हैं एरिया पोस्टीमा आपके जो मेडुला होता है उधर होता है, ये आपको नजर आ रहा है ये ब्लू वाला, ये वाला एरिया पोस्टीमा ये मेडुला में होता है। अब इधर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होती, वजह उसका फायदा क्या है कि जब इधर से ये रेड वाली अगर ब्लड वेसल गुजर रही है, अगर आपके ब्लड में कोई टॉक्सिन है, कोई ड्रग है या कुछ भी ऐसा है जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो वो टॉक्सिन वो ड्रग यहां से इजीली यहां से पास होकर कहां आ जाएगा? एरिया पोस्टीमा में, एरिया पोस्टीमा में, क्योंकि वहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है, ब्रोकन है। जब वो वहां तक जाएगा तो आपका जो एरिया पोस्टीमा होता है ये क्या हो जाता है? एक्टिव। और ये इधर आपका एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड कीमो ट्रिगर। क्या होता है आपका? कीमो ट्रिगर। उसको जाके ट्रिगर करता है, और कीमो ट्रिगर का काम क्या होता है ऑलमोस्ट सब डॉक्टर्स को पता होता है कि वो क्या करते हैं? वोमिटिंग कराते हैं। तो आपकी बॉडी वोमिट करती है कि कोई एबनॉर्मल चीज आपके जिस्म में, उसको आप बाहर निकाल लें, तो आपकी बॉडी उसको क्या करती है? बाहर निकालती है। तो ये आपका हो गया एरिया पोस्टीमा, समझ आ गया। दूसरा होता है आपके ओस्मो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस। क्या होते हैं? ओस्मो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस। तो ये आपके हाइपोथैलेमस, तो उसमें ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस के आसपास, उसके अंदर ओस्मो रिसेप्टर्स। इनका काम क्या होता है कि ये ओस्मोलैरिटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? ओस्मोलैरिटी। अब ओस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? ओस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि आपका जो ब्लड है उसमें सोडियम का लेवल कितना है और वाटर का लेवल कितना है, ठीक है। वैसे अगर डेफिनेशन में करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आर सॉल्यूट इन द ब्लड, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आर सॉल्यूट इन द ब्लड। अगर वो कहता है उसने देखा, अब ये कैसे चेक करेगा कि इधर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होगी, तो वो वहां से उसको क्या कर लेगा? सेंस कर लेगा, सैंपल लेके उससे चेक कर लेगा कि इसमें कितनी ओस्मोलैरिटी है। वो कहता है अगर ओस्मोलैरिटी बढ़ी हुई है, अगर ओस्मोलैरिटी बढ़ी होगी तो इसका मतलब है कि सोडियम का लेवल क्या है? या तो सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ है या फिर वाटर का लेवल क्या है? कम है। कि कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो आपका ब्लड है वो कंसंट्रेटेड है, उसमें या तो साल्ट ज्यादा है या फिर वाटर कम है। हैं? अगर पानी मीठा हो तो हम कहते हैं या तो पानी कम है या फिर चीनी ज्यादा डाली हुई है, हैं? तो कुछ ऐसा ही सीन है। तो इसकी ओस्मोलैरिटी क्या है? ज्यादा है। तो फिर वो क्या करता है? फिर वो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को बोलता है आप रिलीज करें एडीएच। क्या रिलीज करें? एडीएच। एडीएच से पहले आपका जो ओस्मो रिसेप्टर होता है आपको प्यास लगवा देगा। क्या लगवा देगा? प्यास। आपको थर्स्ट होगी, थर्स्ट से आप क्या करेंगे? आप पानी पियेंगे। जब आप पानी पियेंगे तो आप जो वाटर की कमी थी वाटर ज्यादा हो जाएगा, तो आप कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डाइल्यूट हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएंगे। या फिर दूसरा, वो एडीएच रिलीज करवाएगा कैसे? एडीएच कहां से रिलीज होता है भाई? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है और फिर रिलीज होता है। फिर ये वहां से उसको रिलीज कराएगा, और रिलीज करने के बाद एडीएच किसके पास जाएगा? किडनीज के पास। और किडनीज को बोलेगा कि आप वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करें ब्लड में। अब वाटर उधर से रीअब्जॉर्ब होगा, इस तरह वाटर की मकदार फिर बढ़ जाएगी और आपका ये ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। और इसका वाइस वर्सा भी, अगर ऑस्मोलैरिटी कम है इसका मतलब है सोडियम क्या है भाई? कम है। वाटर क्या है? ज्यादा है। तो पहली चीज तो वो बोलेगा कि आपका ओस्मो रिसेप्टर क्या, आपको प्यास नहीं लगी, आपने पानी और नहीं पीना। दूसरी चीज वो क्या करेगा? एडीएच का रिलीज, एडीएच जो रिलीज हो रहा है उसको कम कर देगा। जब एडीएच कम होगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, तो इस तरह आपकी बॉडी में जो ब्लड है, जो वाटर है वो कम हो जाएगा। जब वाटर कम होगा तो आप अब डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ चले जाएंगे, नॉर्मल की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये काम होता है आपके ओस्मो रिसेप्टर का। ओस्मो रिसेप्टर को मैं रिपीट करूंगा, आगे समझ डॉक्टर जुबैर रिपीट, जूम पे किसी को रिपीट कराना तो बता दे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। बताएं जी, समझ आ गया तो ठीक है, अगर मुझे बताएं मैं रिपीट कर देता हूं। अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है वो कौन सा होता है? दैट इज योर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। उसको भी इधर ही पढ़ा देता हूं यार, ये साफ कर दूं। उसके बाद आपका होता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। तो ये क्या होता है? देखे, आपका हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है भाई? आपका हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस है ना। अब हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करता है उसमें बहुत से हार्मोन होते हैं, कोई रिलीजिंग फैक्टर होता है, कोई इनहिबिटरी फैक्टर होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ जाता है, एड्रेनल ग्लैंड के लिए एसीटीएच रिलीज करता है वो, ताकि वो एड्रेनल ग्लैंड को क्या करे? स्टिमुलेट करे। तो हाइपोथैलेमस ने वो जो हार्मोन्स बनाए हैं जैसा कि एडीएच उसने बनाया है, तो उसने एडीएच बनाया है या वैसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन या कुछ भी बनाया है या एसीटीएच बनाया है, अब उन हार्मोन्स को यहां से निकलकर कहां जाना है? या तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाना है, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाना है, या फिर एड्रेनल ग्लैंड्स की तरफ जाना है। तो वो कैसे मूव करेगा? अब इधर जो ब्लड वेसल होगी उसमें ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होगी, वहां से जो आपके हार्मोन्स हैं, अगर ब्लड ब्रेन बैरियर होती तो वो ब्लड में इंटर ना हो सकते। ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होती तो ब्लड में इंटर होते, और ब्लड में ब्लड स्ट्रीम से होते हुए वो कहां जाते हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और एड्रेनल ग्लैंड पे, और वहां पे जाके अपना फंक्शन किरदार अदा करते हैं। डिड यू गेट द पॉइंट?
समझ आ गया? तो इट वॉज ऑल अबाउट योर ब्लड ब्रेन बैरियर, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, फंक्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर और रोल ऑफ एस्ट्रोसाइट्स इन ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड आफ्टर दैट एट द एंड वो कौन से एरियाज हैं जहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होती। समझ आ गया भाई? तो ये था एस्ट्रोसाइट्स का पहला फंक्शन, एस्ट्रोसाइट्स का पहला फंक्शन। इसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर दूसरा फंक्शन देखते हैं इसका। ठीक है, कोई पॉइंट रह गया तो बता दे। चलिए, वो कहता है एंडोथेलियल कंपोनेंट्स कौन कौन से? एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स विच कंटेन्स प्रोटीन्स कॉल्ड टाइट जंक्शंस लोकेटेड बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स। दीज टाइट जंक्शंस डिक्रीज द परमेबिलिटी अक्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो वो जो परमेबिलिटी उसको कम कर देते हैं, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। फॉर किसके लिए काम करते हैं? फॉर अनडिजायरेबल हार्मफुल मॉलिक्यूल्स, फॉर जो नर्वस टिश्यू के लिए हार्मफुल मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो परमेबिलिटी वो कम कर देते हैं। उसके बाद उसके बाहर क्या होता है? इनर टू आउटर, पहले इनर फिर आउटर। बेसल लेमिना होता है दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। फिर क्या होता है? फुट प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स दैट रैप अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर ब्लड ब्रेन बैरियर। फिर पेरिसाइट्स होते हैं, ये भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं बेसल लेमिना के साथ। ये मैंने आपको बता दिया सारा, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस, ब्लड ब्रेन बैरियर हेल्प्स टू रेगुलेट व्हाट लीव्स द ब्लड एंड इंटर, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज ब्लड से नर्वस टिश्यू में जाएगी और कौन सी चीज नहीं जाएगी। तो वो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, लिपिड सॉल्युबल्स को, वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को जाने दे रहे हैं और प्रोटीन्स को नहीं जाने दे रहे इन द नर्वस सिस्टम एंड व्हाट विल बी प्रिवेंटेड टू इंटर द नर्वस टिश्यू हाईली सिलेक्टेड। एक सेकंड जरा होल्ड। अच्छा, उसके बाद देखो अब नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। डॉक्टर जुबैर इस वक्त ना मेरी क्लास चल रही है उसकी, टॉप राइट में की ऑफलाइन, और मॉड्यूल हो रहा है, मॉड्यूल के नंबर लगने हैं उसके, ऑफलाइन हो रही है। आपके तो वो आए नहीं स्टूडेंट्स? आए हुए हैं सारे, मुझे जानते हैं, उनको टीचर जानता नहीं? जानता, अगर जानता हो तो बाहर से वापस आ जाएगा, अगर नहीं जानता तो उधर बैठ के ना मोबाइल से उधर ऊपर नीचे करके प्लीज़ काइंडली, क्योंकि अभी मैं फ़ौरन नहीं जा सकता यहाँ से और वो मॉड्यूल के मार्क्स रह जाने। एक सेकेंड, मैं आपको रूम नंबर पता करके देता हूँ, एक सेकेंड बस होल्ड करें। मैं टॉप नॉट में, एक सेकेंड, ये बस दो मिनट दे मुझे। टॉप नॉट में डाइजेस्टर सिस्टम, सिस्टम मुझे ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड फ्लोर पे चले जाएं, वहाँ पे 312 होगा या उधर से कोई क्लास देख लिया। चलें जी, ठीक है, चलें जी। अब देखें, अभी स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट होगी क्लास, 5 बजे थी ये, उन्होंने जल्दी कर दी है तो इसीलिए, ठीक है। तो आगे देखें जी, हाँ जी, चले ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस कैन डिफ्यूज पैसिवली थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, वो जा सकते हैं इजीली। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम और क्लोराइड रिक्वायर ट्रांसपोर्टर्स टू पास अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर इनटू नर्वस टिश्यू, और प्रोटीन्स कैन नॉट पास द ब्लड ब्रेन बैरियर बिकॉज दीज प्रोटीन्स मे एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटरी या फिर इनहिबिटरी दोनों काम कर सकते हैं, एंड मे कॉज अनडिजायरेबल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन्स। उसके बाद एस्ट्रोसाइट का काम क्या है? मैंने पहले बताया एस्ट्रोसाइट्स रिलीज ग्रोथ फैक्टर्स व्हिच स्टिमुलेट द एंडोथेलियल सेल्स टू इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइट जंक्शन प्रोटीन्स, इट रिड्यूसेस द परमेबिलिटी ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, इससे ब्लड ब्रेन बैरियर की परमेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस के लिए, एंड मेक्स इट मोर सिलेक्टिव परमेबल। सिलेक्टिव का मतलब है कि उसकी मर्जी है, वो जिसको गुजरने दे मखसूस को गुजरने देती है, किसी को नहीं गुजरने देती। डैमेज टू एस्ट्रोसाइट लीड्स टू इंक्रीज परमेबिलिटी, जब एस्ट्रोसाइट्स को डैमेज होगा तो एंडोथेलियल लाइनिंग से आपके टाइट जंक्शन नहीं होगा तो उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, एंड मेक्स इट लेस सिलेक्टिव परमेबल। अब अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस भी उसमें से गुजर जाएंगे। सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स, दीज आर द रीजन्स इन द ब्रेन वेयर ब्लड ब्रेन बैरियर इज ब्रोकन और एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल ये तीन वाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनको डिटेल में देखते हैं। पहला एरिया पोस्ट्रीमा, ये मेडुला में होता है, इज सेंसिटिव टू टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स प्रेजेंट इन द ब्लड, दिस एरिया डू नॉट हैव, इसमें ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होती तो टॉक्सिन्स और ड्रग्स इसको पास करके इस एरिया में चले जाते हैं। जब इस एरिया में टॉक्सिन और ड्रग इंटर होते हैं तो ये एरिया सिग्नल भेजता है कीमो ट्रिगर को कि आप वोमिटिंग को ट्रिगर करें ताकि जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। उसके बाद है ऑस्मोरिसेप्टर्स, हैपोथैलेमस में होते हैं, ये भी सेंसिटिव होते हैं ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड के लिए, कि ऑस्मोरिसेप्टर डिटेक्ट, अगर ऑस्मोलैरिटी में चेंज आया तो ऑस्मोरिसेप्टर उसको डिटेक्ट कर लेंगे।
ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, सैल्यूट या फिर सोडियम कंसेंट्रेशन इन ब्लड ड्यू टू एब्स, इधर भी ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होती तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं चेन को। इफ ऑस्मोलैरिटी इज इंक्रीज्ड, अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, पानी कम है या फिर एक्सेस साल्ट है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी यानी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। देन ऑस्मो रिसेप्टर ट्रिगर द थर्स्ट, वो प्यास लगा देते हैं, या फिर ट्रिगर द हाइपोथैलेमस टू रिलीज द ADH, ADH क्या करता है किडनी के ऊपर एक्ट करता है और आपकी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा देता है, तो दैट हेल्प्स टू डिक्रीज द ऑस्मोलैरिटी एंड वाइस वर्सा, इसका उलट भी आप कर लें फिर सारा। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस तीसरा है, इज द एरिया विच अलाउज द न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स बनते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर होते हैं क्योंकि वहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होती, ठीक है। दीज हार्मोन्स ट्रेवल अलॉन्ग ब्लड ब्रेन बैरियर एंड मूव्स टुवर्ड्स द एड्रेनल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स फॉर देयर फंक्शन, तो वहां पर वो जाके अपने टारगेट की तरफ मूव करते हैं, तो समझ आ गई ये पक्की बात है। दूसरा होता है पोटाशियम बैरियर, ठीक है, दूसरा होता है आपका पोटाशियम बैरियर। पोटाशियम बैरियर देखें जी, पोटाशियम बैरियर क्या होता है, वो कहते हैं जी, चले इधर देख ले, याद करें जब मैंने कल एक्शन पोटेंशियल पढ़ाया था तो मैंने कहा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आपके पोटाशियम लीकी चैनल्स होते हैं, ठीक है, और पोटाशियम लीकी चैनल्स के जरिए आपका जो पोटाशियम होता है जरा सारा बाहर जाता रहता है ना, जब वो बाहर जाता है तो बाहर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, तो आपका पोटाशियम सारा कहां चला जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल सोडियम लीकेज चैनल के जरिए। और याद करें दूसरा मैंने कहा था कि जब आपका वो एक सेकंड मुझे लेट मी चेंज द कलर, और दूसरा मैंने कहा था कि जब आपके जो एक्सॉन होता है एक्सॉन में जब रीपोलराइजेशन हो रही होती है तो वोल्टेज ग्रेडेड पोटाशियम चैनल के जरिए पोटाशियम बाहर आ रहा होता है ना, तो इधर भी पोटाशियम बाहर आ रहा था, इधर भी पोटाशियम बाहर आ रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो पोटाशियम का लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, पोटाशियम का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब फिर मैंने कहा था कि आपके सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस पंप होते हैं, सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस पंप होते हैं, जो सोडियम को बाहर भेजते हैं और पोटाशियम को अंदर, दो पोटाशियम अंदर भेजते हैं, तीन सोडियम क्या करते हैं बाहर, जब ये दो इस तरह ये पोटाशियम को क्या भेजते हैं, अंदर भेजते हैं, तो बाहर जो पोटाशियम का लेवल बढ़ा हुआ था वो थोड़ा अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन स्टिल पोटाशियम क्या है, बाहर पड़ा हुआ है, स्टिल पोटाशियम क्या है, बाहर पड़ा हुआ है। अगर ये पोटाशियम बाहर पड़ा हुआ है तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, कल हमने कहा था जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सोडियम लीकी चैनल जब ओपन होते हैं तो उस वक्त आपका जो पोटाशियम है वो अंदर से बाहर मूव करता है, क्यों, क्योंकि अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर क्या है, कम है। अगर बाहर ऑलरेडी पोटाशियम पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तो क्या अब पोटाशियम अंदर से बाहर जा पाएगा, तो अंदर नेगेटिव आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको मेंटेन गेन होगा आपको नहीं, तो हमने बाहर पोटाशियम का लेवल क्या करना है, कम करना है। और दूसरा अगर बाहर पोटेशियम इधर पड़ा हुआ है तो इधर भी, इधर रिप्रोडक्शन के दौरान भी मसला होगा आपको बाहर भेजने में, ठीक है, तो इधर भी प्रॉब्लम होगा, तो ये है कि आपको आपको एक्शन पोटेशियम में दोबारा क्या आ रहा है, मसला आ रहा है, तो जो पोटेशियम बच गया है इसको भी आपने यहां से निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आपके इधर फिर ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स न्यूरॉन्स के पास पड़े होते हैं, तो एस्ट्रोसाइट्स के ऊपर क्या लगे होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स, तो जो पोटेशियम इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बच जाता है वो फिर क्या करता है, इसको अपने अंदर ले लेते हैं, सारा इसको अपने अंदर ले लेता है। अब बाहर पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है और अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है, फिर वो जब सोडियम लीकेज चैनल ओपन होते हैं तो फिर वो कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के जरिए वो अंदर से बाहर आता है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको गेन होता है। लेकिन यहां पर एक और एक्सेप्शन है कि ये कितना, एक आपका जो एस्ट्रोसाइट है ये कितना इसमें से पोटेशियम लेता रहेगा, हर बार लेता रहेगा कितना लेगा, फिर ये होता है कि जब ये खुद भर जाता है इसकी स्टोरेज, फिर इसके दरमियान गैप जंक्शन होते हैं, और यहां पर आपका दूसरा आपका क्या होता है, एस्ट्रोसाइट्स होता है, दूसरा क्या होता है, एस्ट्रोसाइट, फिर उस गैप जंक्शन के जरिए वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, हाँ जी कुछ तुम ले लो, मैंने फिर और लेना है इधर से, तो फिर वो और ले लेता है, ठीक है। अब इस तरह आपका जो है ना ये पोटाशियम बफर, एज ए पोटाशियम बफर काम करता है, समझ आ गया, फिर रिपीट करूं इसको मैं, आगे समझ, आगे मूव करें, रीडिंग कर रहे हैं, चले जूम पर किसी को समझ आए तो बताएं, अदरवाइज मैं रीडिंग करने जा रहा हूं। तो वो कहता है ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन टन्स ऑफ पोटेशियम लीक्स आउट ऑफ सेल इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस या फिर फ्लूइड वी आर सोडियम लीकी चैनल्स एंड ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन टन्स ऑफ सोडियम सॉरी पोटेशियम एग्जिस्ट द न्यूरॉन वी आर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स इनटू ईसीएफ तो इट रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ पोटेशियम सिटिंग इन द ईसीएफ तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत पोटेशियम बैठा हुआ है सम ऑफ पोटेशियम इज पुश्ड बैक इनटू द न्यूरॉन बाय सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस टू गेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बट सम ऑफ पोटेशियम स्टिल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगर ये accumulate करे एक्सेसर फ्लूड में then concentration of potassium increases outside of the cell than normal, normal से ज्यादा बाहर होगी it affects the concentration gradient, अब बाहर concentration ज्यादा है अंदर क्या है कम है तो resting membrane pressure की तरफ जब leak channels open होते हैं तो आपका potassium अंदर से बाहर नहीं जाएगा अंदर मैंने से manage create नहीं होगा तो आप manage
याद है, जीरो से माइनस फाइव पे गए थे, फिर माइनस फाइव से माइनस 90 की तरफ पोटेशियम के लीकेजन करते जा रहे थे आप। अब आप माइनस की तरफ नहीं जाएंगे तो आपको रेस्टिंग यूरिन पोटेंशियल मेंटेन नहीं होगा। फॉर ड्यूरिंग रेस्टिंग यूरिन पोटेंशियल और रिप्रोडक्शन फेज के दौरान भी आपको मसला होगा, इट अल्टर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो आपके न्यूरॉन की सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक्सप्रेशन सारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए एस्ट्रोसाइट्स एक्सप्रेस स्पेशलाइज्ड पोटेशियम ट्रांसपोर्टर्स, इनके पास पोटेशियम ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये वाले रेड वाला, ये क्या करते हैं ऑन द मेम्ब्रेन, दे टेक द पोटेशियम अप इनटू एस्ट्रोसाइट्स, वो अपने अंदर पोटेशियम को ले लेते हैं, एस्ट्रोसाइट्स स्टोर दीज पोटेशियम आयंस। अब जब वो अपने अंदर ले जाएंगे, इधर पोटेशियम कम हो जाएगा, अब इजिली वो प्रोसेस दोबारा आपका एक्सपेंडिचर वाला रेस्टिंग यूरिन पोटेंशियल वाला होता रहेगा सारा। अब इफ मोर पोटेशियम एक्युमुलेट्स इन द एस्ट्रोसाइट्स देन दे आल्सो कंटेन गैप जंक्शन अमंग अदर एस्ट्रोसाइट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द पोटेशियम टू देम वी गैप जंक्शंस। तो मैंने ये कहा कि जब इधर स्टिमुलेशन बढ़ जाएगी तो वो दूसरे को दे देगा, ठीक है, तो समझ आ गई है, पक्की बात है। उसके बाद है आपका इसका थर्ड, पहला इसका ब्लड ब्रेन बैरियर था, दूसरा इसका क्या था, दूसरा हमने क्या देखा, पोटेशियम बफर के तौर पर काम करता है, और तीसरा हम देखते हैं रिमूवल ऑफ एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर, रिमूवल ऑफ। अब हमने जितने भी फंक्शंस देखे हैं, आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल फंक्शन तो न्यूरॉन का है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हमेशा क्या कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा आपका रिमूवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, हमने कहा था कि जी इधर से, अब देखें मैं आपको डिफाइन करके देता हूं, ये आपका है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये आपका है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये आपका क्या पड़ा हुआ है, एस्ट्रोसाइट, ठीक है। अब देखें, आपको पता है जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है उससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। अब इस केस में लेट्स सपोज दैट जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड ग्लूटामेट। जब ग्लूटामेट यहां से रिलीज होता है तो ग्लूटामेट क्या करता है कि आपके जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उसके रिसेप्टर के ऊपर जाकर अटैच करता है और उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल मेंटेन करवाता है, उसको एक्साइटरी, उसका ईएसपी बढ़ाता है, ठीक है, ईपीएसपी बढ़ाता है उसका, उसकी डीप्रोटेक्शन कराता है, उसको एक्शन पोटेंशियल उसका क्रिएट करवाता है। अब जब वो अपना काम कर लेगा उसके बाद आपको जो ग्लूटामेट होता है ये सब सिनेप्स में पड़ा हुआ है, अब हमने इस ग्लूटामेट को वापस ले जाना है ना, हमने कहा था जब इसका काम हो जाता है हमने इसको रीअपटेक करना है। अब रीअपटेक के लिए इसके पास पड़ी होंगी जी प्रोटीन पड़ी होती है, ग्लूटामेट इसको ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बोलते होते हैं, ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ये क्या करती है इसने इसको उठा के यहां भेजना है, वापस अंदर भेजना है, तो अब ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन है ये इसको उठा के अंदर डाल देगा, इधर से आता रहेगा, इधर से डालता रहेगा, इधर से आता रहेगा, इधर से डालता रहेगा, एक वक्त आएगा कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहेगी, ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहेगी जी मैं थक गई हूं, मैं इतना ही ग्लूटामेट ट्रांसफर कर सकती थी, अब जो पीछे वाला ग्लूटामेट है वो कहां जाएगा। अब उसको क्या करता है, उसको आपका जो एस्ट्रोसाइट पड़ा होता है पास में, अब उसके पास भी लगे होते हैं ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर्स, वो क्या करते हैं ग्लूटामेट को अपने अंदर ले लेते हैं, क्या करते हैं ग्लूटामेट को अपने अंदर ले लेते हैं, फिर वो ग्लूटामेट को जब अपने अंदर ले लिया एस्ट्रोसाइट्स ने तो अपने अंदर वो ग्लूटामेट को ट्रांसफर करते हैं ग्लूटामाइन में, किसमें, ग्लूटामाइन में, इंजाइम का नाम होता है जो यहां पर इन्वॉल्व होता है ग्लूटामाइन सेंथिटेज, ये ग्लूटामाइन सेंथिटेज के जरिए क्या करते हैं ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूटामाइन में। अब ग्लूटामाइन क्या करता है, फिर उसके बाद ये एस्ट्रोसाइट्स ग्लूटामाइन को रिलीज कर देते हैं बाहर, जब ये बाहर रिलीज करते हैं तो अब ग्लूटामाइन बाहर आ गया है, अब आपका जो प्री सिनेप्टिक जो आपका न्यूरॉन था, या फिर इनको हम ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन भी बोलते हैं कि वो वाले न्यूरॉन्स जो ग्लूटामाइन बनाते होते हैं, दैट मेक द ग्लूटामाइन एंड रिलीज द ग्लूटामाइन, ठीक है। अब देखें, अब जो ग्लूटामाइन था, अब इसके ऊपर क्या लगे होते हैं ग्लूटामाइन ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, क्योंकि ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर क्या हो चुके थे, सैचुरेट हो चुके थे, उन्होंने कहा हमारी बस है, तो इसीलिए उन्होंने इसको अंदर लिया और ग्लूटामेट को ट्रांसफर किया ग्लूटामाइन में, ग्लूटामाइन को रिलीज कर दिया, अब इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं ग्लूटामाइन ट्रांसपोर्टर्स, वो ग्लूटामाइन को अंदर ले लेंगे, ग्लूटामाइन को जैसे ही ग्लूटामाइन को अंदर ले लेंगे, ग्लूटामाइन को अंदर लेने के बाद एक एंजाइम का नाम होता है ग्लूटामाइनेज, फिर ग्लूटामाइनेज एंजाइम के जरिए ये ग्लूटामाइन को ग्लूटामेट में दोबारा कन्वर्ट कर देंगे। तो ग्लूटामाइन सेंथिटेज क्या करता है, इनमें फर्क देख लें, ग्लूटामाइन सेंथिटेज क्या करता है, ग्लूटामेट को ग्लूटामाइन में रिलीज करता है, और जो ग्लूटामाइनेज होता है वो ग्लूटामाइन को ग्लूटामेट में कन्वर्ट करता है, उलट है, ठीक है। तो अब ग्लूटामेट बन गया, क्योंकि ये ग्लूटामेट बना रहे हैं इसलिए इनको हम बोलते हैं ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स, फिर ये ग्लूटामेन को दोबारा रिसाइकिल करके दोबारा क्या करेंगे, इसमें शिफ्ट करेंगे। अब एक और चीज,
कि इसने जो ग्लूटामाइन बनाया था, इसने जो ग्लूटामाइन बनाया था, अगर ये ग्लूटामाइन ये वाले प्रीसिनेप्टिक उठा ले तो वो उसे ग्लूटामेट बना लेते हैं। अगर इस ग्लूटामाइन को जो इसने रिलीज किया था, इस ग्लूटामाइन को प्रीसिनेप्टिक ना उठाए बल्कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन उठा ले, या फिर पोस्ट ना उठाए, या इसका एक और नाम होता है गैबरजिक, गैबरजिक न्यूरॉन, वो वाले न्यूरॉन जो गाबा बनाते होते हैं। क्या बनाते होते हैं? गाबा न्यूरोट्रांसमीटर बनाते होते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये ग्लूटामेट को अपने अंदर ले लेंगे, किसके जरिए? ग्लूटामाइट, सॉरी ग्लूटामाइन ट्रांसपोर्टर के जरिए, ग्लूटामाइन को अपने अंदर ले लेंगे ग्लूटामाइन ट्रांसपोर्टर के जरिए, और फिर ये ग्लूटामाइन को चेंज कर रहे हैं किस में? ग्लूटामेट में। तो एंजाइम का नाम क्या होगा? ग्लूटामाइनेज। ठीक है, अब ग्लूटामाइनेज से ये क्या बना लेंगे? ग्लूटामेट बना लेंगे। फिर इसी ग्लूटामेट को वो यूज करते हुए गाबा बना लेते हैं, ग्लूटामेट से गाबा, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? गैबरजिक न्यूरॉन बोलते हैं। तो इस तरह जो न्यूरोट्रांसमीटर इधर था ग्लूटामेट, ये इसको क्या कर रहे हैं? रिमूव करा रहे हैं। तो रिमूव ऑफ एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर। तो समझ आ गया कि इसको रिपीट करना है? एक बार रिपीट कर दो, शॉर्ट समय रिपीट कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि जी लेट मी चेंज द कलर, लेट मी चेंज सम प्रोमिनेंट, चलिए लेट मी चेंज द कलर। तो वो कहता है सबसे पहले देखें कि आपका जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है उससे ग्लूटामेट रिलीज हुआ, ग्लूटामेट ने इसको स्टिमुलेट किया, अपना डीप्रोटेक्शन कराने के बाद वो क्या करेगा? इधर स्नैप्स में आ जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है? रीअपटेक करना है। रीअपटेक किसके जरिए होगा? ग्लूटामेट, ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के जरिए वो इसको रीअपटेक कर लेगा। रीअपटेक करते करते एक वक्त आएगा ये सैचुरेट हो जाएगा, ये कहेगा मैं और रीअपटेक नहीं कर रहा। तो बाकी जो ग्लूटामेट बचेगा उसको पास पड़े हुए आपके एस्ट्रोसाइट्स क्या करेंगे? उसको अपटेक कर लेंगे। उसको अपटेक किसके जरिए करेंगे? ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर के जरिए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए। जब वो उसको अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे फिर वो ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूटामाइन में। किसके जरिए? ग्लूटामाइन सिंथेटेज के जरिए। अब ग्लूटामाइन को ये रिलीज कर देंगे। जब ये रिलीज करेंगे तो इस ग्लूटामाइन को आपके प्रीसिनेप्टिक ग्लूटामेटर्जिक न्यूरॉन भी पिक कर सकते हैं और आपके पोस्टसिनेप्टिक गैबरजिक न्यूरॉन भी इसको पिक कर सकते हैं। अगर आपके प्रीसिनेप्टिक ग्लूटामेटर्जिक एंजाइम ने न्यूरॉन ने पिक किया है तो ये इसको अपने अंदर ले लेंगे। किसके जरिए? क्योंकि ग्लूटामाइन है तो ग्लूटामाइन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के जरिए। जब अपने अंदर ले लेते हैं तो फिर ये ग्लूटामाइन को कन्वर्ट करते हैं ग्लूटामेट में। किसके जरिए? ग्लूटामाइनेज के जरिए। ठीक है, और फिर ये ग्लूटामाइन दोबारा रेडी होता है। और अगर इसको गैबरजिक न्यूरॉन ने पिक कर लिया है तो वो इसको किसके जरिए पिक करेंगे? ग्लूटामाइन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के जरिए, और ग्लूटामाइन को कन्वर्ट करेंगे ग्लूटामेट में। फिर वही एंजाइम कौन सा? ग्लूटामाइनेज। फिर वो ग्लूटामेट को यूज करते हुए गाबा बना देंगे। फिर गाबा एक क्या आपका इनहिबिटरी, आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर है। तो यहां तक कोई समझ आए तो बताएं, अगर समझ आ गया तो इस रीडिंग देख लेते हैं। वो कहता है ग्लूटामेट इज रिलीज्ड फ्रॉम प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन इनटू सिनेप्स दैट बाइंड्स विद लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। तो आपको पता है ये किसके साथ जाके मिलता होता है? लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स के साथ जाके मिलता होता है, जो आपके डेंड्राइट्स के ऊपर होते हैं और सेल बॉडी के। कल मैंने पढ़ाया था, याद है डॉक्टर अर्सलान? प्रेजेंट ऑन द पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स ग्लूटामेट कॉजेस ईपीएसपी यानी स्टिमुलेटरी इफेक्ट देता है पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन को। आफ्टर दैट ग्लूटामेट इज डिग्रेडेड और रीअपटेकन बाय ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल बल्ब। तो इसके जरिए वो उसको वापस ले लेता है। बट आफ्टर लॉट ऑफ ग्लूटामेट रीअपटेकन द ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर्स बिकम सैचुरेटेड एंड बिकम्स अनएबल टू रीअपटेक मोर ग्लूटामेट। अब वो मोर ग्लूटामेट को नहीं उठाएंगे। ग्लूटामेट एक्युमुलेट्स इन द सिनेप्स एंड कीप स्टिमुलेटिंग। तो वो यहां पे रहता है, सिनेप्स में रहता है और इसको स्टिमुलेट करता रहता है बार 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 बार, जो कि अनडिजायरेबल है। तो फिर वो क्या करते हैं? एस्ट्रोसाइट्स एक्सप्रेस द ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर्स ऑन देयर मेम्ब्रेन। तो वो एंड अपटेक द ग्लूटामेट इनटू एस्ट्रोसाइट्स। तो वो यहां से उसको अपने अंदर ले लेते हैं। एस्ट्रोसाइट्स कन्वर्ट द ग्लूटामेट इनटू ग्लूटामाइन वी द ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ग्लूटामाइन विल बी रिलीज्ड फ्रॉम एस्ट्रोसाइट्स दैट इज टेकन अप बाय द प्रीसिनेप्टिक ग्लूटामेट। अगर प्रीसिनेप्टिक उठा लें तो वो क्या करेंगे? ग्लूटामाइन बना लेंगे। ग्लूटामाइन ट्रांसपोर्टर के जरिए अपने अंदर ले जाएंगे इसको, और प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन कन्वर्ट करते हैं ग्लूटामाइन को किस में? ग्लूटामेट में। किसके जरिए? ग्लूटामाइनेज के जरिए। और आपका फिर क्या बन गया? ग्लूटामेट बन गया, और ग्लूटामेट फिर दोबारा न्यूरोट्रांसमीटर है। इफ रिलीज्ड ग्लूटामाइन बाय एस्ट्रोसाइट्स, अगर एस्ट्रोसाइट्स पिक कर लेते हैं तो एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं, सॉरी कि जो एस्ट्रोसाइट्स ने जो ग्लूटामाइन रिलीज किया है वो पिक किया गया है नियर बाय गैबरजिक न्यूरॉन से। तो वो क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूटामाइन कन्वर्ट करते हैं ग्लूटामेट में बाय ग्लूटामाइनेज के जरिए, और ग्लूटामेट को कन्वर्ट करते हैं गैबा में विया, इसमें एक एंजाइम होता है, मैं उधर नाम बताना भूल गया, ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज। इधर कौन सा एंजाइम होता है? ग्लूटामाइट ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज, उसके जरिए कन्वर्ट करता है। इसका चौथा फंक्शन क्या होता है एस्ट्रोसाइट्स का? दैट इज ग्लाइकोजन रिजर्व, ग्लाइकोजन को रिजर्व करता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है भाई, कैसे? आपको पता है ये आपका क्या पड़ा हुआ है? एस्ट्रोसाइट। ये आपका क्या पड़ा हुआ है? न्यूरॉन। आपको पता है न्यूरॉन के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो सकता है ब्लड से न्यूरॉन, ग्लूकोज ब्लड से न्यूरॉन में ट्रांसपोर्ट हो सकता है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के जरिए।
ठीक है, पैसिव नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए होगा। अब न्यूरॉन क्या करता है, इस ग्लूकोज को यूज करता है, उससे पाइरूवेट बनाता है। ये साइकिल सबको सबको पता है ना, ये वाला साइकिल। तो ग्लूकोज से पाइरूवेट बनाएगा, पाइरूवेट से क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा, और एटीपी को क्या करेगा, यूज करेगा। अगर आपका जो न्यूरॉन है उधर एटीपी की कमी हो गई है, एटीपी की कमी हो गई है, या फिर उसके पास ग्लूकोज की कमी हो गई, तो एटीपी नहीं बन रही, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि आपके जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं कि आपकी जो ब्लड होता है उसमें एक ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूट1, ग्लूट1 के जरिए ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना देख लें कि ग्लूट1 के जरिए ग्लूकोज को ब्लड से निकालकर अपने अंदर ले आता है कौन, एस्ट्रोसाइट। ग्लूट1 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए उसको वहां से निकालकर चैनल्स के जरिए वहां से निकालकर अपने अंदर ले आता है, और दो चीजें दो काम करता है, पहला कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है पाइरूवेट में, और पाइरूवेट को कन्वर्ट करता है एटीपी में, और एटीपी खुद यूज करता है। दूसरी चीज कि इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है। जब ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है, अब इसने ग्लाइकोजन को स्टोर किया हुआ है, जब न्यूरॉन के पास एटीपी की कमी होगी या फिर ग्लूकोज की कमी होगी, तो यह देखेगा कि ग्लूकोज न्यूरॉन के पास किसकी कमी है, ग्लूकोज की, एटीपी की कमी है, तो यह जल्दी से ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज से दोबारा पाइरूवेट बनाएगा। अब पाइरूवेट से एटीपी नहीं बनाएगा, बल्कि पाइरूवेट से लैक्टेट बना देगा। क्या बना देगा, लैक्टेट, और लैक्टेट बना के बाहर रिलीज कर देगा। जब ये बाहर रिलीज करेगा, तो फिर आपका जो न्यूरॉन देखता है लैक्टेट को, तो वो लैक्टेट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के जरिए लैक्टेट को पिक कर लेता है। जैसे वो लैक्टेट को पिक करता है, तो फिर लैक्टेट से वो क्या बनाता है, पाइरूवेट बनाता है, और पाइरूवेट से फिर क्या बना लेता है, एटीपी बना लेता है, तो वो अपने एटीपी की जो मियार है वो पूरी कर लेता है। तो समझ आएगी नहीं, समझ आ गई है, मैं रिपीट कर दूं इसको एक बार, सॉरी एस्ट्रोसाइट एटीपी बना रहा है, मैंने कहा तो है, फिर सुने आप गौर से सुने। मैंने कहा कि आपका जो न्यूरॉन है, डॉक्टर जुबैर का क्वेश्चन है कि एस्ट्रोसाइट एटीपी क्यों नहीं बनाता, वो बनाता है। दूसरी चीज सुने, अब देखें, वो अपने लिए बनाता है, न्यूरॉन के लिए नहीं बनाता, अपने लिए बनाता है। अच्छा देखें, पहली चीज क्या हुआ कि ये ग्लूकोज यूज करता है न्यूरॉन, पाइरूवेट बनाता है, पाइरूवेट से एटीपी बनाता है, ठीक है, एटीपी यूज करता है। अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए या फिर आपके एटीपी की कमी हो जाए, तो फिर क्या होगा, वैसे ये यहां पे ये बस इतना इसका नॉर्मल देख लें। अब इसका नॉर्मल देखें, एस्ट्रोसाइट का, एस्ट्रोसाइट क्या करता है, ब्लड से ग्लूकोज लेता है ग्लूट1 के जरिए, और लेके ग्लूकोज जब अंदर आ जाता है एस्ट्रोसाइट्स के अंदर, तो ग्लूकोज से पाइरूवेट बनाता है। अब पाइरूवेट से क्या करता है, एटीपी बनाता है, खुद यूज करता है। दूसरा काम ये क्या करता है, जो इसके पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज, ये जरा ग्लूकोज लेता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उससे ये क्या बना देता है, ग्लाइकोजन बनाकर स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब अगर आपके न्यूरॉन को एटीपी की कमी हुई है, ग्लूकोज की कमी हुई है, तो आपका एस्ट्रोसाइट उसकी हेल्प करने वाला सपोर्टिंग सेल है उसका, है ना, हम हमेशा पढ़ते हैं सपोर्टिंग सेल है। तो उसको सपोर्ट कैसे करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है पाइरूवेट में। अब पाइरूवेट से एटीपी नहीं बनाएगा, अब ये अपने लिए नहीं कर रहा काम, अब किसके लिए कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है न्यूरॉन को। अब ये क्या बनाएगा, लैक्टेट बनाएगा, और लैक्टेट को रिलीज कर देगा। लैक्टेट को फिर कौन पिक कर लेगा, आपका न्यूरॉन, लैक्टेट न्यूरोट्रांसमीटर, लैक्टेट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के जरिए। अब जब लैक्टेट इधर जाता है, तो लैक्टेट से दोबारा क्या बनता है, पाइरूवेट, पाइरूवेट से दोबारा क्या बन जाता है, आपका एटीपी बन जाता है। एंड द क्वेश्चन इज दिस, कि क्या आपका न्यूरॉन भी ग्लूकोज वसूल करता है ब्लड से, ब्लड वेसल से? यस करता है। वो कौन सा होता है, ग्लूट3 होता है। तो ये हम सारे पढ़ेंगे, ग्लूट1 ग्लूट3 ये सारे हम डिटेल में देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना देख लें कि ये ग्लूट3 के जरिए लेता है, वो ग्लूट1 के जरिए लेता है। अगर बाई एनीथिंग कि इसको कमी हो गया, तो फिर ये उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। डिड यू गेट द पॉइंट, रीडिंग करें। अब देखें, न्यूरॉन्स यूटिलाइज ग्लूकोज टू मेक एटीपी। इफ देयर इज अ डिक्रीज्ड एटीपी प्रोडक्शन इन न्यूरॉन्स, द एस्ट्रोसाइट्स हैव द एबिलिटी टू सेंस द लो एटीपी लेवल्स। तो वो इसके लो एटीपी लेवल को क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है। अच्छा, एस्ट्रोसाइट्स अपटेक ग्लूकोज अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर बाय यूजिंग ग्लूट1 ट्रांसपोर्टर्स एंड ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्ट्रोसाइट्स यूज द ग्लूकोज टू मेक एटीपी एंड कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। दोनों काम करता है। नाउ व्हेन एटीपी चार्जर दे ये वेदर द सेकंड बात लगा लिया हमने चार्जर। हाँ जी, बस 8% से नीचे आ गई थी ना बैटरी, तो फिर वो उसने बंद ही हो जाना था, और जो हम कर रहे थे सारा खत्म हो जाना था, रिकॉर्डिंग भी। चले खैर, नो व्हेन एटीपी लेवल डिक्रीजेस इन द न्यूरॉन ड्यू टू डिक्रीज ग्लूकोज, ग्लूकोज के कम होने की वजह से जब एटीपी का लेवल कम होगा, देन एस्ट्रोसाइट्स ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, तो वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएंगे, और ग्लूकोज से पाइरूवेट बनाएंगे, पाइरूवेट से लैक्टेट बनाएंगे, लैक्टेट जो है ना इनटू द न्यूरॉन विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज या फिर पाइरूवेट में, और पाइरूवेट से क्या बना देगा, न्यूरॉन अपनी एटीपी बना देगा, ठीक है। अब
इसके हमने चार फंक्शन देख लिए, पहला ब्लड ब्रेन बैरियर, दूसरा पोटेशियम बफर, तीसरा रिमूवल ऑफ एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर, चौथा ग्लाइकोजन रिजर्व और पांचवा फंक्शन इसका जो कि है ग्लियोसिस प्रोसेस। अब ये क्या होता है, वो कहते हैं अगर किसी अगर आपको स्पिनल कार्ड में और ब्रेन में किसी जगह पे इंजरी हुई, क्या हुई इंजरी हुई, तो एस्ट्रोसाइट्स क्या हो जाते हैं एक्टिवेटेड हो जाते हैं और ये प्रोलिफरेट करते हैं, क्या हो जाते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं, तो वो फिर वो क्या करते हैं वहां पे स्कार फॉर्मेशन बना देते हैं, क्या बना देते हैं स्कार फॉर्मेशन। स्कार फॉर्मेशन क्यों बनाते हैं, स्कार फॉर्मेशन क्यों बनती है, स्कार फॉर्मेशन जब यहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है वहां पे स्कार बन जाता है, स्कार का मतलब होता है कि ये मजीद डैमेज इन्फ्लेमेशन को बंद कर देता है और मजीद डैमेज नहीं होने देता, तो इस तरह इन्फ्लेमेशन को बंद करके मजीद डैमेज को रोक लेता है, तो हीलिंग प्रोसेस क्या करता है इंक्रीज करता है। तो ये इसका आसान सा फंक्शन था, ठीक है, जब इंजरी होगी तो एस्ट्रोसाइट्स एक्टिवेट होंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, वहां पर स्कार फॉर्मेशन करेंगे, हीलिंग करा देंगे, ठीक है। तो ये था आपका एस्ट्रोसाइट जो कि फर्स्ट इसका क्या था ग्लियल सेल्स था। देखें एस्ट्रोसाइट्स को, ये एस्ट्रोसाइट्स ने बनाया हुआ है, देखें उसके बहुत से देखें फूड प्रोसेस है ना, एक सेल बॉडी और बहुत से क्या है उसके फूड प्रोसेस है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लियल सेल्स इन द सेलुलर सिस्टम मैंने पहले बताया है, और ये फिजिकल सपोर्ट भी देता है, हम बार बार देख रहे थे, हमने देखा ना वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या दे रहा था, ऊपर से फिजिकल सपोर्ट दे रहा था उधर, रिपेयर भी करता है अभी हमने देखा, रिमूवल ऑफ एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर भी करता है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर भी होता है, ये ग्लाइकोजन फ्यूल रिजर्वायर भी है, ग्लाइकोजन को क्या करता है वहां पर रिजर्व करता है, उसके बाद रिएक्टिव ग्लाइसिस इन रिस्पॉन्स टू इंजरी ये भी हमने अभी देखा, और हमने कहा डिराइव फ्रॉम न्यूरो एक्टोडर्म न्यूरोएपिथेलियल सेल से बनता है, और हमने कहा कि GAFAP इसका ये क्या होता है पॉजिटिव होता है उसका मार्कर बायोमार्कर होता है उसका एस्ट्रोसाइट्स का, ठीक है। अब जो एस्ट्रोसाइट से मिलता जुलता सेल्स होता है, एस्ट्रोसाइट्स कहां होते हैं सीएनएस के अंदर होते हैं, सिर्फ सीएनएस के अंदर। अब एस्ट्रोसाइट से मिलते जुलते सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है वो यहां पे नहीं दिए गए, खैर हम उसको पढ़ते हैं, सैटेलाइट सेल्स, कौन से होते हैं वो सैटेलाइट सेल्स, सैटेलाइट सेल्स सेम लाइक दैट आपके एस्ट्रोसाइट काम करते हैं, लेकिन एस्ट्रोसाइट सीएनएस के अंदर होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होते हैं सैटेलाइट सेल्स क्या होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। और दूसरा फर्क यह है कि एस्ट्रोसाइट्स सारे फंक्शन करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन भी करते हैं, लेकिन आपके जो सैटेलाइट्स होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन नहीं करते, ठीक है। और बाकी ये जो हीलिंग करा रहे थे वो किस में करा रहे थे सीएनएस में, वो जो कराएंगे वो किस में कराएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब इसकी मैं थोड़ा सा आपको अपनी बॉक्स से आपको मैं रीडिंग ही करा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। देखिए सैटेलाइट सेल्स, वो कहते हैं सैटेलाइट सेल्स आर ओनली फाउंड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एस्ट्रोसाइट्स ओनली फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दीज आर ओनली फाउंड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दीज सेल्स आर लोकेटेड इन द फॉलोइंग एरियाज। अच्छा ये भी आप याद रखना कि कौन कौन से एरियाज पे ये होते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड में आपको मैंने बार बार पढ़ाया है डॉर्सल रूट गैंग्लिया होता है, है? के क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लिया, और डॉर्सल रूट गैंग्लिया क्यों होता है क्योंकि ये डॉर्सल हॉर्न के पास पड़ा होता है इधर, तो इसको हम डॉर्सल रूट गैंग्लिया कहते हैं। तो डॉर्सल रूट गैंग्लिया की जो सेल बॉडीज होती हैं उसके इर्द गिर्द ये पाए जाते हैं आपके सैटेलाइट सेल्स, डॉर्सल रूट के जो गैंग्लिया है उनकी गैंग्लिया के अंदर क्या होंगी सेल बॉडीज होंगी, सेल बॉडीज के इर्द गिर्द ये जो पिंक कलर के ये सारे बने ये आपके क्या है सैटेलाइट सेल्स हैं, नंबर वन ये यहां पे होते हैं, नंबर टू ये कहां पे होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम गैंग्लिया, क्या आपके जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया होते हैं गैंग्लिया क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन अब कौन से गैंग्लिया है ऑटोनोमिक गैंग्लिया, अब ये आपके सेंसरी गैंग्लिया नहीं है, अब आपके ये कौन से हैं ऑटोनोमिक है, यानी अब ये मोटर गैंग्लिया है, और ऑटोनोमिक क्यों है क्योंकि ये दोनों फंक्शन देखेंगे सिंपैथेटिक भी और पैरासिंपैथेटिक भी, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम गैंग्लिया, डिटेल में आगे हम देखेंगे इनको, ठीक है। बस अब इतना देख लें कि इसकी सेल बॉडीज के इर्द गिर्द भी होते हैं सैटेलाइट सेल्स और डॉर्सल रूट गैंग्लिया के इर्द गिर्द भी ये होते हैं, ठीक है। सैटेलाइट सेल्स सराउंड सेल बॉडीज ऑफ द डॉर्सल रूट गैंग्लिया इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सैटेलाइट सेल्स आल्सो सराउंड सेल बॉडीज ऑफ द ऑटोनोमिक गैंग्लिया इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। रिकॉल ऑटोनोमिक गैंग्लिया क्या होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट हेल्प्स टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों। डॉर्सल रूट गैंग्लिया को मैंने फिर से इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं ऊपर इसको बार बार पढ़ा भी चुका हूं पिछले लेक्चर में, ठीक है। और ऑटोनोमिक पहली बार आया तो मैंने इसका रिकॉल इसलिए लिख दिया। फंक्शंस क्या है इसके सैटेलाइट सेल्स परफॉर्म ऑल फंक्शंस द सेम लाइक एस्ट्रोसाइट्स एक्सेप्ट ब्लड ब्रेन बैरियर, एस्ट्रोसाइट्स आर ओनली प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हाइल सैटेलाइट सेल्स आर ओनली प्रेजेंट इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद सैटेलाइट सेल्स हैव फॉर्मिंग फंक्शंस, पोटेशियम बफर भी काम करेगा, रिमूव एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करेगा, ग्लाइकोजन रिजर्व भी काम करेगा, सारे फंक्शन सेम होंगे जैसे उसके थे, इसका भी मैकेनिज्म क्या होगा सेम। और रिपेयर ऑफ पेरिफेरल नर्व्स ड्यू टू इंजरी और डैमेज बट पेरिफेरल नर्व्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नॉट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो इट वाज ऑल अबाउट जो टू हमारे ग्लियल सेल्स हैं एस्ट्रोसाइट्स एंड सैटेलाइट सेल्स, वो हमने देख लिए हैं।
कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो बाकी है वो पढ़ाऊंगा। पहले हम कर लेंगे आपके ये वाले दो सेल्स, श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। जिस तरह आपके एस्ट्रोसाइट्स और सैटेलाइट सेल्स में डिफरेंस है, तो आपके श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट में वही फर्क है। श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। और इन्हीं के साथ हम बैलेंस शीट भी कवर कर लेंगे। फिर कल ही मैं आपको ये दोनों भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये फिर छोटे छोटे से एपिडेमल और माइक्रोबियल सेल्स, ये भी मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। तो कल हमारे जो ग्लियल सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आगे मूव करेंगे, हमारा एक्शन पोटेंशियल भी हो गया है। फिर उसके बाद हम सेंसरी रिसेप्टर्स और पेरिफेरल नर्व्स और क्रोमेट, ये आगे आगे हम मूव कर देंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो अदरवाइज क्लास डिसमिस। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं पे की, मैं फिर कह रहा हूँ, वो आज मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें और जो तरीका है वो प्रोसेस है वो मुझसे पूछ लें। तो बाकी क्लास डिसमिस। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना।